सरकार बहुत ही अच्छा कानून लाई है और हमारा इसमें पूरा समर्थन है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक देश को और अच्छा होगा इससे कोई खराबी नहीं होगा। देखिए, बदलाव तो आने का उम्मीद है, ठीक ना? अभी आप कारण पूछिएगा तो तुरंत बता पाना मुश्किल है, मगर चेंजिंग होने से कुछ पॉजिटिव आने का चांसेस हैं। मेरा कहना ये है कि सरकार बहुत ही अच्छा कानून लाई है और हमारा इसमें पूरा समर्थन है। ओजस्वी शर्मा, सीए कानून लागू हो चुका है, इसके लिए हम समर्थन करते हैं और हमको अधिक से अधिक प्रसन्नता, बहुत सारी प्रसन्नता है और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। क्या नाम? मेरा नाम आशीष चौबे, इंदौर। ये कानून सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। मेरा देश तो एक तो ऐसी ही आबादी से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और जो शरणार्थी लोग हैं, खास करके इस्लाम मानने वाले जो मेरे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, वहाँ अशांति के कारण सबका सब सॉफ्ट स्थान भारत ही आता है और यहाँ लोग जैसे तैसे राजनीतिक लोगों के कारण यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं और यहाँ भी अशांति फैलाते हैं। वैसे गलत लोगों को रोकने के लिए ये कानून बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या नाम हो? सुधीर कुमार। नाम बताइए सर। कमलेश। आज जैसे कि सीए एनआरसी के बारे में जो चर्चा है कि आज हो सकता है कि लागू हो जाए पूरे देश में, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सर कुछ जानकारी नहीं है। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में नहीं जानते हैं? इसके बारे में जानकारी नहीं है? नहीं है। राघवेंद्र पांडे। जैसे आज नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है सर, वो हो सकता है कि अमित शाह अनाउंस करें कि पूरे देश में वो लागू किया जाएगा, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कुछ बदलाव आएगा आपके जीवन? देखिए, बदलाव तो आने का उम्मीद है, ठीक ना? अभी आप कारण पूछिएगा तो तुरंत बता पाना मुश्किल है, मगर चेंजिंग होने से कुछ पॉजिटिव आने का चांसेस हैं, जो हम खोल के नहीं आपको बता रहे हैं, मगर निकट भविष्य में देखा जाएगा। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शुभ नाम पिंकू कुमार है। आज जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट किया जा सकता है, अमित शाह आज रात लागू कर सकते हैं पूरे देश जी, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, कुछ लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं? नहीं सर। अच्छा, इसमें जैसे कि आम जो नागरिक हैं उनको नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो दूसरे देश के नागरिक हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है, वो आएंगे इस देश में तो उनको नागरिकता मिलेगी, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर इस बात को, ये सब नहीं सर। मेरा नाम रोशन राज हुआ। आज जैसे देश में लागू होने वाला है, ऐसी संभावना है कि सीएए लागू हो जाए कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या फर्क? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक देश को और अच्छा होगा इससे कोई खराबी नहीं होगा। इससे कोई खराबी नहीं? कोई खराबी नहीं होगा। तो अगर ये कानून आज लागू हो जाता है देश में, तो इससे क्या लगता है कि जैसे आप व्यवसायी हैं तो आप पे आपकी बिजनेस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो आप पक्ष में है? बिल्कुल सही है, ठीक है। नितेश कुमार पांडे हुआ। और जैसे कि सीए जो है आज अनाउंसमेंट किया जा सकता है कि लागू हो जाएगा पूरे देश में, तो इससे क्या कुछ? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे एक दूसरे देश से लोग व्यक्ति मने यहाँ पे मेरे भारत में आकर रह सकता है, बिहार में रह सकता है, तो उसको नागरिकता देने का हक मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, सब लोग का मने देश का मने हक मिल जाएगा, कहने का मतलब सब लोग का तो अच्छा रहेगा, यही कह सकते हैं।